भैया उसी कंपनी का दूध बेचते हो? आपको कौन सा चाहिए, डोडला डेयरी, अमूल डेयरी की लोकल? कोई प्रभात डेयरी का है? अरे प्रभात डेयरी, शेयर बाजार वाले हो क्या? हाँ। अच्छा चलो तो अपन शांति से बैठ के बात करते हैं, कौन सी कंपनी का दूध अच्छा, कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा, और ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं। चलो चलो। सो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ डोडला डेयरी के डिटेल में। लेकिन हम यहाँ पे डोडला डेयरी अकेली नहीं, हम कुछ और डेयरीज भी देखेंगे, डेयरी उद्योग देखेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह इंडस्ट्री ग्रोइंग है, क्या डेयरी में पैसा डाला जा सकता है और क्या अपना पैसा बनेगा कि नहीं। तो डोडला का आईपीओ लास्ट वीक ही आया हुआ था, आप इसे कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है, होल्ड करे, प्रॉफिट बुक करे कि सेल करे। सो फ्रेंड, डेयरी इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तब हमारे दिमाग में अमूल डेयरी जरूर आएगी, क्योंकि अमूल डेयरी वो डेयरी है जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंट पोलसन नाम की जो कंपनी थी, जो किसानों से मिल्क लेती थी और ट्रेड चलता था, लेकिन अच्छा पैसा नहीं मिलने के कारण एक रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ, जिसे लीड किया था त्रिभुवनदास पटेल ने, आनंद के त्रिभुवनदास जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने मिलके ये ट्रायो ने एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गुजरात आनंद में, और कई किसानों को साथ मिलके एक नया रूप दिया कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग को, जिसको आज हम दोस्तों जानते हैं अमूल डेयरी के नाम से। अमूल दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, अगर अमूल स्टॉक मार्केट में होती, जस्ट अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी होती, करीबन 50,000 करोड़ का टर्नओवर, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो 100 साल पुरानी HUL से, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो उतनी ही बड़ी ITC से। दोस्तों ये दोनों ही कंपनी 3 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। तो दोस्तों आपकी अमूल उतना ही धंधा करती है, बढ़िया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है अपने बिजनेस में, बढ़िया उनका मार्केट शेयर है, तो ये कंपनी का मार्केट कैप भी आपको नहीं लगता, ये निफ्टी 50 की टॉप की कंपनीज में दोस्तों अमूल होती। इट मींस अमूल एक जबरदस्त सफलता की कहानी है, और इस कहानी के बारे में अगर नई जनरेशन जानना चाहती है कि कैसे शुरुआत हुई थी, तो हमें मंथन नाम की फिल्म भूलनी नहीं चाहिए, श्याम बेनेगल की 1976 की ये फिल्म, जिसमें दो दो रुपए करके करीबन 5 लाख किसानों ने निवेश किया था, और जब फिल्म बनी तो ट्रकें भर भर के सब लोग गए, और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। दोस्तों ये फिल्म से डिटेल पता चल सकती है कि कैसे कोई भी कंपनी या एक कोऑपरेटिव चाहे तो बड़ा बन सकता है, राइट फ्रेंड्स। पर अमूल अगर सफल होती है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि बाकी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी उतना ही सरल रास्ता हो, क्योंकि अमूल को गवर्नमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, जो हो सकता है प्राइवेट बॉडीज को इतना ना मिले। तो दोस्तों और कौन सी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसी उद्योग में है, क्या उन्होंने रिटर्न कमा के दिए? तो अमूल के अलावा दूसरी कंपनी जो है वो है हैटसन एग्रो। जी हाँ दोस्तों, हैटसन एग्रो भारत की प्राइवेट डेयरीज में सबसे बड़ी डेयरी है, 5,000 करोड़ का करीबन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टर्नओवर उनका, प्रॉफिट करीबन 250 करोड़ का, मार्जिन हुए 4-5% के, कुछ इतने खास मार्जिन नहीं है, डेप्ट है कंपनी पे, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम हाई है, पर और कोई डेयरी में आपका निवेश इतना बढ़िया हो नहीं सकता है। हैटसन में अगर हमने 20 साल पहले निवेश किया होता, फर्ज कीजिए 10,000 रुपये, आज उसकी वैल्यू करीबन 25 लाख रुपया होती, तो अच्छा कमा के दिया है हैटसन एग्रो ने। पर हाई वॉलेटिलिटी हैटसन में दिखी है, वाई? ड्यू टू लो मार्जिन एंड हाई डेप्ट। हैटसन के अलावा आपको और कोई भी इतनी सफल कहानी आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगी। दूसरी लिस्टेड कंपनी है मॉडर्न डेयरी, करीबन 800 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ का प्रॉफिट,
कोई पैसा कमा के इसने निवेशकों को नहीं दिया। मतलब अगर 15 साल पहले अगर 10,000 लगाए होते आज भी वही वैल्यूएशंस, क्यों? बिकॉज कोई ग्रोथ नहीं। उमंग डेयरी करीबन 250 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ का प्रॉफिट, कोई रिटर्न नहीं दिए दोस्तों, ड्यू टू लो मार्जिन्स। प्रभात डेयरी आप जानते ही हो कि कुछ और डेयरीज भी थी, अनलिस्टेड हो चुकी है। तो इससे ये जानने को मिलता है कि अब तक अमूल के अलावा कोई इतनी बड़ी सफल कहानी नहीं है। हैटसन ने रिटर्न अच्छे दिए पर वॉलेटिलिटी हाई है। तो क्या अब मुझे डोडला डेयरी से ये आशा रखनी चाहिए कि वो मुझे हैटसन की तरह अच्छे रिटर्न दे, कि मुझे यहां पे भी उमंग या मॉडर्न डेयरी या कुछ और डेयरी की तरह मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे? चलिए दोस्तों ये हम चेक करते हैं। दोस्तों ये जो आईपीओ लेके अभी जो लास्ट वीक आए, करीबन 550 करोड़ का आईपीओ, उसमें से 50 करोड़ खाली कंपनी के पास आने वाले हैं, बाकी जो 500 करोड़ रुपए हैं वो जाएंगे पुराने निवेशकों के पास जिन्होंने बरसों पहले निवेश किया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी पास्ट प्रमोटर्स की यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है पुराने प्रमोटरों का। पुराने प्रमोटरों में जैसे आप देख सकते हो TDDHPL करीबन 80 लाख शेयर्स ऑफर किए, बाकी जो शेयर्स ऑफर हुए वो प्रमोटर जो रियल प्रमोटर है उन लोगों के आए। एसेट्स एंड लायबिलिटी हम अभी चेक करेंगे, पर मैं अभी से बता दूं एक लो डेप्ट कंपनी है, ज्यादा डेप्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो यस ये लोग ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन उतने ही है एवरेज जितने आपके हैटसन के हैं। तो मार्जिन आर एवरेज एंड अ लो डेप्ट कंपनी, दे आर ग्रोइंग। दोस्तों पैसा बन सकता है जैसा हैटसन में बना है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है लो डेप्ट होने की वजह से, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के करीब है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जी हां दोस्तों, अगर यहां पे पैसा है, पैसा बन सकता है। वेल्थ क्रिएटर हम इसे नहीं कह सकते दोस्तों, लो मार्जिन इनके अकेले के नहीं, सारों के इतने अच्छे मार्जिन नहीं है, राइट? बट यस पैसे हैं यहां पे, बढ़ेंगे हमारे पैसे। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम एसेट्स देखें तो यस डेयरी उद्योग से बिलोंग करती है, तो इनकी पीपीई एसेट्स ग्रोइंग है और होनी ही चाहिए। 3 साल के डेटा हमारे पास है, 350 करोड़, 450 करोड़ और 480 करोड़। तो सीधी बात है, प्लांट प्रॉपर्टीज आर ग्रोइंग। दोस्तों इसी करंट एसेट में अगर हम देखें, करीबन एवरेज इन्वेंट्री 125 करोड़ की इनकी हिस्टोरिकल इनके पास रहती है। कंपनी के पास अंदाजे से इन्वेस्टमेंट 5-1 करोड़ का है। ट्रेड रिसीवेबल में इनके पास एवरेज 6 करोड़ रुपए की ट्रेड रिसीवेबल रहती है। कैश देख लेते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 करोड़ के आसपास, बैंक बैलेंस 40 करोड़। इन सबको देख के लिक्विडिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता है। अब दोस्तों खास चीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी कंपनी की करीबन 56 करोड़ है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि 50 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से भी आने वाले थे, तो कुछ आपका इक्विटी यहां इंक्रीज होगा। टोटल इक्विटी कंपनी के पास करीबन एज यू कैन सी 452 करोड़ का है, 450 करोड़। तो 450 करोड़ का टोटल इक्विटी, ये भी इंप्रूव होगा, पर कितना? थोड़ा सा, क्योंकि 50 करोड़ ही खाली फ्रेश इशू से आने वाले, बाकी 500 करोड़ तो प्रमोटर के पास सीधे चले जाएंगे, तो ये इक्विटी इंक्रीज नहीं होगी। लायबिलिटीज देखे तो करंट बोरोइंग करीबन 74 करोड़ का है, बहुत ज्यादा नहीं है, करीबन 74 करोड़ का बोरोइंग और 8-1 करोड़ का लीज लायबिलिटी। तो आप अगर इक्विटी को लायबिलिटी से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है, इसे हम एवरेज डेप्ट कहेंगे, एवरेज टू लो डेप्ट कंपनी है। इसी वजह से डेप्टिंग कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है। अब दोस्तों देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये धंधा कितना करते हैं। हमने अभी देखा आपकी अमूल 50,000 करोड़, आपके हैटसन 5,000 करोड़। कुछ और कंपनियों के धंधे देखे, डोडला धंधा कितना करती है। एज यू कैन सी ये 1600 करोड़ का धंधा करते थे 2 साल पहले, पर ग्रोथ करते करते लास्ट ईयर का इनका बिजनेस है अप्रोक्सीमेटली
2146 करोड़, तो हम कह सकते हैं करीबन 2000 करोड़ का टर्नओवर 16% के सीएजीआर से ये पिछले दो साल से बढ़ रही है। हम अंदाजे से ये सोच सकते हैं कि अगर ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं भविष्य में भी कंपनी 10% से तो ग्रोथ करनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमने पहले बताया, इतने बढ़िया मार्जिन नहीं है, इनके पहले प्रॉफिट 57 करोड़ के थे दो साल पहले, जो आज 50 करोड़ के हैं। 12% सीएजीआर से तीन साल में प्रॉफिट घटे है, बट इट्स ऑल राइट, हम ये उम्मीद करेंगे 4-5% से मार्जिन कंपनी के रहेंगे। अभी के मार्जिन 2% है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दोस्तों डेप्ट पेइंग कैपेसिटी 6 की है, अब अगर इनके सर पे लो डेप्ट है तो इतनी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कम क्यों है? कम मार्जिन की वजह से। अगर मार्जिन आने वाले समय में इंप्रूव होते हैं तो हम सोचेंगे कि डेप्ट पेइंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। करीबन 20 की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है, ये 6 यानी एवरेज से थोड़ी कम है, पर डेयरी उद्योग में आपको बढ़िया डेप्ट पेइंग कैपेसिटी नहीं देख सकते हम लोग, ना हैटसन में है ना इसमें है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो टोटल इक्विटी कंपनी के पास है उस पर रिटर्न करीबन 10% का कंपनी पाती है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर करीबन 9 रुपए की है, थोड़ी घटेगी किसके कारण? इक्विटी बढ़ने के कारण। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप जो पैसा लगा रहे हो यहाँ पे, आपको बदले में क्या मिल रहा है? 9 रुपए की सालाना अर्निंग। कितना पे कर रहे हो? 428 रुपीज के करीबन इनका आईपीओ था, मान लो आप 501 रुपए में इस कंपनी को बाय करते हो तो ये भाव के हिसाब से यील्ड 2% होती है, राइट? यील्ड 3% दोस्तों मिलनी चाहिए। 3% मतलब मैंने दिया 500, मुझे मिलता है 10 रुपया, क्या है यील्ड हुआ? लो यील्ड। मैं जो खर्चा करता हूं उसके सामने मुझे, अगर मेरी अर्निंग ज्यादा हो तो मेरी यील्ड बढ़ेगी, तो यील्ड 3% की एक एवरेज यील्ड हमें मिलती रहनी चाहिए। ये कब मिलेगी? या तो इस साल कंपनी की अर्निंग बढ़ती है या भाव नीचे आता है, राइट? अर्निंग बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं इस साल। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की कैसी है? अभी प्री आईपीओ अगर हम देखें तो 68% का शेयर होल्डिंग प्रमोटरों का खुद का है, बाकी 32% होल्डिंग पब्लिक, यानी जिन्होंने इसमें निवेश किए हुए हैं उन लोगों का है। पब्लिक यानी अभी आप मत मान ला कि बाकी पब्लिक का है, नहीं दोस्तों, कुछ निवेशक भी कंपनी में है। तो 32% जो निवेशक का होल्डिंग है उसमें 26% TDDHPL का है, जो कई समय से निवेश करके बैठे हैं। इनके अलावा अप्रोक्सीमेटली 12% MyLK3 का है, ये भी वेंचर कैपिटल है। साथ में IFC, आप IFC बहुत से इंडियन कंपनियों में देखोगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनका निवेश अप्रोक्सीमेटली 5-1% का है, 27 लाख शेयर्स। तो हम ये देखें कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है ये आईपीओ लाने का। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा है, 10 करोड़ रुपए कंपनी के पास करीबन आएंगे, कंपनी की जो डेप्ट है करीबन 80 करोड़ जितनी, तो कुछ डेप्ट रिपेमेंट हो जाएगी, बाकी के 500 करोड़ तो प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं, मतलब पुराने निवेशक के पास, तो उसका कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट सीधा हमें नजर में आता है, जो पुराने निवेशकों ने पैसा लगाया था उनको अच्छा पैसा मिलेगा इस आईपीओ से। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिस ऑफ ऑफर। बेसिस ऑफ ऑफर में एक मैं देखूं कि भी कौन से बेस पे आपने 450 रुपया भाव रखा है, तो एक तो 450 पे मुझे आज 9 रुपया मिलता है, 9 रुपया मुझे कंसिस्टेंट तो मिल रहा है, लेकिन मार्जिन 2% है। ये किन अनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी में चेंज हो सकती है कभी जब स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग फेज आते हैं तो, राइट? ईपीएस के अलावा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी चाहिए, जो करीबन 10% है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है पर कम भी नहीं है, हम इसे एवरेज कहेंगे। बुक वैल्यू कंपनी के 90 रुपीज की है, तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से 5 गुना कीमत पे हमें ऑफर हो रहा है, जितने कम प्राइस पे हमें मिलता है उतना शेयर में हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी। दो प्रकार से देखना चाहिए, या तो कम भाव पे मिले या रिटर्न बढ़े, यानी प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पीयर ग्रुप अगर हम देखें इनके अलावा की दूसरी लिस्टेड कंपनियां, तो आपका ऑलमोस्ट देखो डोडला 50 करोड़ का प्रॉफिट, हेरिटेज फूड लॉस मेकिंग, पराग मिल्क डोडला जितना,
हैटसन 100 करोड़, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो सबकी ऑलमोस्ट एक जितनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो हमें चेक करना चाहिए पीयर ग्रुप में, वो तो हेरिटेज का तो नेगेटिव है, बाकी तीनों कंपनी का ऑलमोस्ट एक जितना है। तो सारी कंपनियों के जो मार्जिन है ये यही 2-5% के इर्द गिर्द है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। हम कोई ऐसा नहीं कह सकते जैसा दूसरे सेक्टर में होता है कि कुछ एक कंपनी जबरदस्त बढ़िया होती है, ऐसी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे यहाँ पे और कोई भी कंपनी नजर नहीं आती है। नहीं, जैसे आप हाउसिंग फाइनेंस में सीधा कह सकते हो HDFC इज गुड, बैंकिंग में HDFC बैंक इज गुड, पेंट में एशियन पेंट, केमिकल में पीडीलाइट की लीडरशिप, ऐसा यहाँ पे कोई एक सिंगल लीडर जो डेप फ्री हो, अच्छे मार्जिन हो, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग पूरे इंडस्ट्री का ओवरव्यू कि ये जो इंडस्ट्री है ये बढ़े ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी डोडला हो या हैटसन ये बढ़िया रिटर्न देगी, राइट। इंडस्ट्री ओवरव्यू देखने के लिए पहले GDP इंडिया का, जैसा आप जानते हो दोस्तों लास्ट 5 ईयर करीबन 7-8% का ग्रोथ डीप आया कोरोना की वजह से, पर कोरोना में जैसा फॉल आया वैसी ही रिकवरी भी हमने इंडिया में पाई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 साल भी 7-8% का GDP ग्रोथ तो रहेगा। इनफैक्ट इंडिया सारी मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। तो भारत का अगर हम जब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं जैसे डेयरी इंडस्ट्री जैसी जिसका डोमेस्टिक कंजप्शन हाई रहता है, तो डोमेस्टिक कंजप्शन देखने के लिए इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा तो डोमेस्टिक कंजप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इंडिया के ग्रोथ में कोई सवाल आ ही नहीं सकता है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की अपनी चाल बरकरार रखी थी और आगे भी बरकरार रखने वाली है। सो इंडिया इज गोइंग टू शाइन, नो डाउट अबाउट इट। कंजप्शन की बात आती है तो पॉपुलेशन की बात आती है। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हो 1950 में जो इंडिया करीबन 40 करोड़ का पॉपुलेटेड था वो आज 130 करोड़ पार हो चुके हैं और हम आने वाले समय में जैसे पास्ट में 2011 में आखिरी सेंसस हुआ तब का हमारा पॉपुलेशन था 120 करोड़, 25 लाख परिवार रहते थे। ये 1.8% से हर साल हमारा पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, आने वाले दशक में हम 1% से तो ग्रो होने वाले हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है 2025 आते आते वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया हो जाएगा। पॉपुलेशन नहीं, जो पॉपुलेशन की जो हमारी डेमोग्राफी है वो भी फेवरेबल है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग लोग दुनिया में है जिनकी एवरेज एज करीबन 28 साल की है। 90% लोग 60 से कम एज वाले हैं, 63% पॉपुलेशन 15 से 60 की रेंज की है, यानी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है कितनी 63%, जिसे अगर हम US, चाइना, ब्राजील या किसी भी मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडिया की और प्रोडक्टिविटी का वेटेज ज्यादा आता है। इसी की वजह से यह अनुमान है कि इंडिया का ग्रोथ सबसे बढ़िया रहेगा। दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ज्यादातर निवेश यहाँ अर्बन करने में, अर्बन इंडिया जैसे होता जा रहा है, इंफ्रा, कंज्यूमर सर्विसेज जैसे अलग अलग सेक्टर में जो निवेश आएंगे जहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1950 में करीबन 17% इंडिया अर्बन था, अभी भी खाली 35% इंडिया अर्बनाइज्ड है। तो हम वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ही कम अर्बनाइज्ड है। ये देखा गया है कि जो भी कंट्रीज डेवलपिंग से डेवलप्ड हुई है वहां पे अर्बनाइजेशन हाई हुआ है। यही चीज इंडिया में होगी जो इंफ्रा को, कंज्यूमर सर्विस को जबरदस्त बूम करेगा और जॉब की अवेलेबिलिटी को भी यही चीज बूम करेगी। दोस्त दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बढ़ती हुई इनकम GDP पर कैपिटा। हम जैसा देख सकते हैं अब तक पास्ट में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP पर कैपिटा वाली कंपनी बनी हुई है। हमारा GDP पर कैपिटा 6% से बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी अनुमान है
कि इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है ये 6% से बढ़ता जाएगा। तो आज का जो हमारी एवरेज इनकम 1.5 लाख रुपया है, ये 1.5 लाख से 3 लाख पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये इंडिविजुअल इनकम बढ़ती है तो ये बूम करती है कंजप्शन को दोस्तों। अब अगर इंडिया इतना बढ़िया ग्रोथ करेगा, इंडिया में कंजप्शन बढ़ेगा, तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव क्यों है दोस्तों? डायट्री पैटर्न हाउस होल्ड के देखने के बाद आप कह सकते हो कि यस डेयरी इंडस्ट्री कुड ग्रो। डायट्री पैटर्न इंडिया में डेयरी और डेयरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजप्शन वैसे भी हाई है। जितना एक एवरेज हाउस होल्ड का 100 रुपए का अगर खर्चा फूड पे होता है, उसमें से 22 रुपए का खर्चा हम मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट पे दोस्तों करते हैं। तो ऑलरेडी हमारा कंजप्शन डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट पे दोस्तों है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लार्ज और बड़ी पॉपुलेशन, और वो भी वेजिटेरियन पॉपुलेशन। तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है और अगर उनको प्रोटीन चाहिए तो उसमें मिल्क का समावेश तो होगा ही। थर्ड दोस्तों, लो प्रोटीन कंजप्शन इन ओवरऑल जो फूड हम लेते हैं, इंडिया में करीबन 60 ग्राम पर पर्सन पर डे प्रोटीन कंज्यूम होता है, जो वर्ल्ड के मुकाबले कम है वेजिटेरियन होने के कारण। तो दोस्तों इसी वजह से वेजिटेरियन पॉपुलेशन प्रोटीन का डाइट चाहिए, इसी वजह से 22% का स्पेंडिंग हमारा मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे हो जाता है। जैसा दोस्तों हमने बताया, एवरेज इनटेक इंडिया का लो है 60 ग्राम पर डे पर पर्सन, जिसको अगर हम बाकी के डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो 100 ग्राम पर पर्सन पर डे, इवन डेवलपिंग कंट्री का भी 80 ग्राम पर डे है। तो हमारा कंजप्शन प्रोटीन में ओवरऑल वैसे भी लो है। ये इतना लो क्यों है? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी वेजिटेरियन पे है, उस चीज की वजह से। अब दोस्तों अगर ये सारे पैरामीटर है जो आने वाले समय में डेयरी उद्योग को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, तो हम ग्लोबल इंडस्ट्री भी जरा देखें कि बाकी सब जगह पे क्या चल रहा है। दोस्तों ग्लोबली ग्लोबल मिल्क आउटपुट 860 मिलियन टन का है दुनिया भर का, जिसको लीड करता है इंडिया। यस जी हाँ दोस्तों, इंडिया 17% भले हमारा पॉपुलेशन है पर हम मिल्क आउटपुट देते हैं करीबन 30% का। तो दुनिया जितना मिल्क आउटपुट देती है 30% कंट्रीब्यूट कौन करता है? इंडिया। और ये जो मिल्क आउटपुट है ये पिछले दशक से 2% CAGR के ग्रोथ से वर्ल्ड मिल्क आउटपुट भी बढ़ रहा है। जैसा आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया को लीड करता है एशिया। दुनिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन है 42% रिस्पॉन्सिबल एशिया है, और एशिया में भी खास मैंने आपको बताया इंडिया। दूसरा यूरोप 27% और नॉर्थ अमेरिका, ये तीन एक बड़े मार्केट हुए मिल्क के। सो इंडिया दोस्तों ग्लोबल लीडर, हमने बताया 30% का आउटपुट। सबसे बड़ी अगर हम 6 कंट्री देखें जो सबसे ज्यादा मिल्क आउटपुट देती है, वो 6 मिलाए तो 60%, जिसमें कौन कौन आते हैं? इंडिया, फिर इंडिया के बाद US, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील एंड जर्मनी। ये 6 कंट्री का टर्नओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड, राइट? और यहां पे भी मैं बता दूं, इंडिया का 25% था 2015 में, हमारा कंट्रीब्यूशन 5% से इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों राइज इन मिल्क यील्ड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में बहुत बार ऐसा आता है कि मिल्क के दाम बढ़ गए, अभी जस्ट रिसेंटली मिल्क के दाम बढ़े हैं। तो दोस्तों मिल्क के दाम 1.7% CAGR से 1961 से लेके अब तक बढ़े हैं। तो ओवरऑल महंगाई अगर 4-5% से बढ़ी है तो उससे भी बहुत कम दाम से आपका दूध के दाम बढ़े, दूध पे यील्ड बढ़ी है। अब मिल्क पे जो यील्ड मिलती है बिजनेस वालों को, हमें लगता है कि शायद बहुत ज्यादा है कि कम है। इंडिया में मिल्क यील्ड 1.6 है, इंडिया के मुकाबले US देखो तो 10 प्लस है। तो इंडिया बाकी डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हमारी मिल्क यील्ड बहुत कम है, एवरेज वर्ल्ड के मुकाबले अच्छी है, राइट? तो इतना सारा आउटपुट इंडिया कैसे देता है? दोस्तों इंडिया में जो मिल्चिंग एनिमल्स है उनकी आबादी भी 2% से बढ़ती जा रही है,
राइट, तो 2% यानी ऑलमोस्ट हमसे थोड़ी तेजी से ह्यूमन पॉपुलेशन से जितने लोग हैं, जैसे हमारा पॉपुलेशन अगर हम 130 करोड़ गिने तो मिल्चिंग एनिमल्स भी 135 करोड़ है इंडिया में, राइट, तो हर एक व्यक्ति के लिए एक एनिमल। अब अगर ये है हाल ग्लोबल और इंडिया का, तो इंडिया की इंडस्ट्री बढ़ सकती है कि नहीं, और अगर बढ़ सकती है तो कौन से पैरामीटर काम के है। दोस्तों इंडियन डेयरी इंडस्ट्री करीबन 10% CAGR यानी डबल डिजिट ग्रोथ है 2015 से अब तक का, 7 लाख करोड़ की एक अच्छी इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से डबल डिजिट ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद है। ये इंडस्ट्री बनती है वॉल्यूम प्रोडक्ट से जिसमें आता है मिल्क जैसी प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जिसमें आती है घी कर्ड जैसी प्रोडक्ट, और एम्बिडेड प्रोडक्ट जिसमें योगर्ट या जिसमें हो सकता है आइसक्रीम जैसी प्रोडक्ट। अब आइसक्रीम जैसी प्रोडक्ट हो या घी जैसी प्रोडक्ट हो उसमें ग्रोथ जबरदस्त है। दोस्तों पिछले 5 सालों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का ग्रोथ 15% हुआ है, यानी घी रिलेटेड उद्योग या दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एम्बेडेड प्रोडक्ट जिसमें आइसक्रीम मैंने बताया आपको करीबन 21% के CAGR से आइसक्रीम का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जहां पे फोकस किया जा सकता है, मतलब इसे हम कह सकते हैं इमर्जिंग प्रोडक्ट, राइट। तो इमर्जिंग प्रोडक्ट्स का ग्रोथ बढ़िया है, आइसक्रीम ले लो 21%, पनीर चीज जबरदस्त ग्रोथ, राइट। जैसा आप लोग देख सकते हो कि मिल्क का जो ग्रोथ है वो 9% से बढ़ा है, पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो 12%। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में क्या आया, घी रिलेटेड प्रोडक्ट। और जो इमर्जिंग प्रोडक्ट है, इमर्जिंग आइसक्रीम पनीर बटर, उनका ग्रोथ आप देखो 18% CAGR। ऐसा ही ग्रोथ दोस्तों एक्सपेक्टेड है, बरकरार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये डेयरी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये दोनों से बढ़ता है, वॉल्यूम से भी और प्राइस से भी। मिल्क में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ अच्छा आया है, प्राइस बेस्ड ग्रोथ दोनों को मिला के 9% हुआ। इसी चीज को अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में देखो तो वहां पे रियल डिमांड ग्रोथ अच्छी है, प्राइस को अगर हटा भी दे तो भी ग्रोथ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब खास बात यह है कि चलो 7 लाख करोड़ का धंधा है और ये बढ़ने वाला है, तो सबसे बड़ा स्टेक कौन ले जाता है। ग्रोथ हम मानते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है, पर 64% स्टेक आपके मिल्क का है, तो 7 लाख करोड़ में 4.5 लाख करोड़ जीतने का तो इंडिया मिल्क पी जाता है, राइट। मिल्क के बाद आती है आपके नंबर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के, जिसमें घी और कुछ घी कर्ड जैसी प्रोडक्ट, और फिर आती है इमर्जिंग प्रोडक्ट बटर चीज एंड आइसक्रीम, राइट। उनका पोर्शन अभी कम है पर वहां पे ग्रोथ तगड़ा है। तो अभी हमें यह देखना है कि इतना मार्केट कौन ले जाता है। अगर 7 लाख करोड़ का ये मार्केट है तो सबसे ज्यादा किसके हाथों में ये धंधा आता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा ये स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन डेयरी इंडस्ट्री समझना होगा। सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज रॉ मटेरियल एंड दैट इज मिल्क। मिल्क जो आया उसमें से 40-45% सेल्फ कंजप्शन में इस्तेमाल हो गया, बाकी का जो 55% है वो जाता है मार्केटेबल मिल्क। 55% मिल्क जो बचता है कंजप्शन जो नहीं हुआ उसे कहते हैं मार्केटेबल मिल्क। ये जो 55% मिल्क जो मार्केट में बिका उसमें से 40% मिल्क ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ओर से जाता है, 60% मिल्क अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बेचता है। ऑर्गेनाइज्ड यानी आपकी डेयरीज, अनऑर्गेनाइज्ड यानी जो हम नॉर्मल किसी व्यक्ति से परचेस करते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड यानी उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका कोऑपरेटिव डिवीजन यानी कई अलग अलग कोऑपरेटिव्स है जो मिल्क बेचती है, और एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनीज। दोनों का ऑलमोस्ट शेयर इंडिया में देखे तो इक्वल जैसा है। जो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो माल बिकता है वो बताया, वो आपके ट्रेडिशनल मिल्कमैन। इस प्रकार से ये पूरा उद्योग बटा हुआ है 7 लाख करोड़ का।
यहीं पे दोस्तों जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट ये खाली 35% था 5 साल पहले, ये आज बढ़ के 40% हो चुका है। और ये उम्मीद है कि ये जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है इसमें आने वाले समय में ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उन हाइजीन और उनकी चॉइस बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे हमें मानना होगा कि डेयरी में कोऑपरेटिव का हाथ थोड़ा ऊपर है। गुजरात में तो देखे जैसे अमूल, तो 90% मार्केट तो अकेला अमूल के पास है। तो जैसा इंडियन डेयरी इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेक्टर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है ज्यादा, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि 50% मार्केट इज ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड, धीमे धीमे ऑर्गेनाइज होगा। दूसरा अपर हैंड हमने पहले बताया कोऑपरेटिव्स का है, सब्सिडीज और कुछ बेनिफिट्स को ध्यान में रख के, तो प्राइवेट के लिए थोड़े मार्जिन इनके कम रहते हैं। दूसरा दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होती है ये लो शेल्फ लाइफ वाली होती है, ये भी एक कंपिटिटिव पॉइंट है जिससे मार्जिन कम रहते हैं। और 40% जितना जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो तो सेल्फ कंजप्शन में ही यूज हो जाता है, तो बाहर मार्केट में कितना गया, खाली 60%। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ प्राइवेट प्लेयर आएंगे जिससे प्राइवेट प्लेयर का भी बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मिल्क कंजप्शन या डेयरी उद्योग को बढ़ाएगा कौन? पहला पॉइंट है आपका रैपिड अर्बन है, अर्बन पॉपुलेशन जो मैंने पहले बात बताई, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियराइजेशन की वजह से भी कंजप्शन में इंक्रीमेंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, समझना कि मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है डेली प्रोटीन इंटेक के लिए, ये अवेयरनेस जैसे धीमे धीमे और बढ़ रही है इसका इंटेक बढ़ता जा रहा है। काफी हद तक बटर पनीर ये सब रेस्टोरेंट्स में बहुत इस्तेमाल होता है, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का भी जिस प्रकार से ग्रोथ है, हम इन एडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिसमें पैसा भी अच्छा मिलता है कंपनियों को, उनके ग्रोथ को हम अच्छा देखेंगे। लोगों का प्रेफरेंस बढ़ रहा है पैकेज मिल्क की, और पहले सिर्फ मिल्क का 90% था, धीमे धीमे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ती गई और अब ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों कंटिन्यूड गवर्नमेंट फोकस टुवर्ड दिस सेक्टर, इस प्रकार से कई पॉइंट है जिससे लगता है कि डेयरी उद्योग आने वाले समय में ग्रोथ तो करना चाहिए। जैसे वर्ल्ड का वॉल्यूम देखा था जो 2% से बढ़ रहा था, हम अगर वॉल्यूम ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का देखें तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन तो 7% के CAGR से बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहना चाहिए ये उम्मीद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्रोडक्ट वाइज मार्जिन दिए गए हैं और उनके ग्रोथ दिए गए हैं। आप देख सकते हो मिल्क फ्लूड यानी जो मेन प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन भी कम है ग्रोथ भी कम है, पर जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे कंपनियां काम करती है उनके मार्जिन तगड़े हैं, करीबन 20% के मार्जिन और उनके ग्रोथ भी अच्छे हैं। तो जो डेयरी की जो कंपनियां हैं जितना ज़्यादा फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे करती है उनको अच्छे मार्जिन मिलेंगे और ग्रोथ वो कंपनियां बढ़िया करेगी। आप देख सकते हो अभी अमूल और आपकी ज़्यादातर कंपनियां का फोकस किधर है, राइट? एंड दिस चार्ट शोज यू किस प्रकार से जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, हाइजीन पे उनका ध्यान बढ़ रहा है, अपने चॉइस को लूज मिल्क से पैकेज मिल्क की ओर ले जा रहे हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिनकी हमने बात की, यह है कर्ड का मार्केट। जैसे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास खाली 15% मार्केट है, बाकी 85% कर्ड की बिक्री अनऑर्गेनाइज मार्केट से ही होती है। दोस्तों मिल्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा टर्नओवर देता है तो वो देता है घी, जिसका 16% बिजनेस में रोल है। तो अगर हमने 7 लाख करोड़ का धंधा बताया, 16% गिन लो कितने का घी बिकता है। ये घी में ऑर्गेनाइज प्लेयर का हैंड अपर है। दोस्तों घी का मार्केट जैसे आप देख रहे हो 12% से बड़ा है और 13 से 14% से बढ़ने की उम्मीद भी है। सो घी इज एन हॉट प्रोडक्ट इन दिस होल बंच। दोस्तों घी के इस मार्केट में 68% जो टर्नओवर आता है वो तो रीजनल जो प्लेयर है उन लोगों से आता है, पर पतंजलि ने अपना जो घी लॉन्च किया अभी जस्ट 2014 में, और आप देखो क्या मार्केट शेयर बनाया है, 4% टोटल जो घी बिकता है उसका मार्केट पतंजलि के पास है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? पतंजलि इन घी।
हाईएस्ट ग्रोथ है उनका घी के अंदर, राइट। तो बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। अमूल जो कि घी में सबसे पुराना खिलाड़ी है, 11% मार्केट अमूल के पास है, राइट। तो पतंजलि कट्टू कट धीमे धीमे पहुंचते जा रहे हैं। दूसरा तगड़ा मार्केट बटर का, 12-13% के ग्रोथ से बटर का बिजनेस आने वाले समय में बढ़ने वाला है। अब जरा सोचो कौन सी लिस्टेड कंपनियां का फोकस बटर पे है। तो बटर का कंजप्शन जो बढ़ती डिमांड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होटल्स की है उसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, हाई ग्रोथ वहां से मिल रहा है। पर बटर का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन, खिलाड़ी नंबर वन अमूल, 75% मार्केट बटर का है। दोस्तों अमूल से पहले जो पॉल्सन कंपनी थी जिनके राइवलरी वो बने, उस समय उनका मार्केट था, प्री इंडिपेंडेंट वो लोग सप्लाई करते थे, और ये जो सॉल्टेट जो आता है ना वो उन्हीं ने ट्रेंड चालू किया था जिसको बरकरार अमूल को रखना पड़ा, क्योंकि लोगों को वो सॉल्टी टेस्ट की आदत हो चुकी थी। पर आज 75% मार्केट इज विद अमूल, वंडरफुल। सबसे आखिर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आइसक्रीम आपका कितना ग्रोथ है दोस्तों, 16-17% ग्रोथ, और ये ग्रोथ बरकरार रहेगा। अब जरा सोचो कौन है आइसक्रीम के बिजनेस में, ग्रोथ तो उनका होना है, राइट। हम चाहे तो हम आइसक्रीम के बिजनेस में भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ मिल रहा है। देख लेना आप लोग, उसका भी एक दिन हम लोग रिसर्च प्रेजेंट करेंगे कि आइसक्रीम में सबसे बढ़िया कंपनी कौन है। कौन बोला वाड़ीलाल, अगर इतना मिल्क प्रोडक्शन है, इतनी प्रोडक्ट्स बिकती है मिल्क रिलेटेड, तो सबसे ज्यादा धंधा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है इंडिया में, तो टॉप 10 स्टेट्स 80% प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें टॉप पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश इज नंबर वन इन मिल्क प्रोडक्शन, फिर राजस्थान एंड गुजरात एंड एमपी, ये चार स्टेट अगर हम देखें तो 50% का जो प्रोडक्टिविटी है वो ये चार स्टेट से मिल रही है। अदर स्टेट्स में कितना, क्योंकि आज हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं डोडला, वो तो साउथ इंडिया से है। दोस्तों साउथ इंडिया का कंट्रीब्यूशन यू कैन सी 20% है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, और डोडला आती है वहां से। साउथ इंडिया में 38% टर्नओवर आता है आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश इज लीडिंग इन मिल्क प्रोडक्शन। चीज एंड आइसक्रीम, वे, योगर्ट, ये सारी प्रोडक्ट है जिनके मार्जिन एकदम तगड़े हैं और ग्रोथ भी बढ़िया है। आपकी जो डोडला है, आपका जो हैट्सन एग्रो है, इनका 38% जितना टर्नओवर मिल्क से आता है, बाकी का टर्नओवर वो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से मार्जिन के लिए पाते हैं। दोस्तों सारी कंपनियां जितनी भी अवेलेबल है डेयरी में उनका कंपैरिजन, तो सबसे पहला बड़ा कंपैरिजन आपका होता है हैट्सन एग्रो से, 5,000 करोड़ का टर्नओवर। उनको फॉलो करता है हेरिटेज फूड और आपकी डोडला जैसी कंपनियां। तो अब हैट्सन लो या तो फिर आप दूसरी कंपिटेटिव कंपनी देखो, क्रीमलाइन जैसी या तिरुमला जैसी, ऑलमोस्ट मार्जिन सबके यही है 2-5% की रेंज में। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है अमूल के अलावा, जो हाईली, जिसका बड़ा मार्केट शेयर है और जिनके मार्जिन बहुत अच्छे हो। बाकी सब कंपनियां आर एवरेज। तो आप हैट्सन में पैसा लगाओ, थोड़ा डर रहता है कि कंसिस्टेंसी मिलेगी कि नहीं। सेम थिंग इन डोडला ऑल्सो, मार्जिन लो होने की वजह से आप पूरे पूरा 100% श्योर नहीं रह सकते कि ये कंपनी जबरदस्त परफॉर्म करेगी। ग्रोथ अच्छा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ करेगी, पर हाई वॉलेटिलिटी हैट्सन में या डोडला में रह सकती है। डोडला डेयरी क्या है दोस्तों? डोडला डेयरी आपके साउथ इंडिया की एक डेयरी है, मेन उनका वही रीजन में ज्यादा फैला हुआ है। मेजर टर्नओवर मिल्क से आता है और 30% जितना टर्नओवर उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जहां पे मार्जिन अच्छे है, ग्रोथ अच्छा है, वहां से भी आता है। फाइनेंशियल्स कैसे हैं? स्टेबल है, लो डेप्ट है। ग्रोथ कैसा है? एवरेज है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कंपनी का धंधा आने वाले समय में बढ़ेगा। कंक्लूजन क्या? हैट्सन सबसे बड़ा खिलाड़ी, डेप्ट प्रॉब्लम, मार्जिन्स, एवरेज। डोडला सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है, साउथ इंडिया का बड़ा खिलाड़ी, मार्जिन अगेन एवरेज, लो डेप्ट। तो कोई जगह पे आप बड़ा निवेश करो ऐसा नहीं हो सकता। यस आपको डेयरी उद्योग में पैसा डालना है, आप 1% यहां पे पैसा डाल सकते हो। हैट्सन पे डालो
डोडला में डालो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, आपके रिटर्न ऑलमोस्ट एक जितने रह सकते हैं। पोस्ट आईपीओ, अभी लास्ट वीक इन लोगों का आईपीओ आया, लिस्ट हुआ, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीबन 4% होल्डिंग अपना बनाया हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो के लिए, अगर आप ट्रेडिंग के लिए वीडियो सुन रहे थे तो आपको ये काम नहीं लगेगा, वैसे ट्रेडिंग के लिए अगर सुन रहे थे तो इतना लंबा वीडियो कोई सुनेगा भी नहीं। ये हमने क्यों आपको एक्सप्लेन किया, ताकि थोड़ा डेयरी उद्योग के बारे में पता चले, कोई और चॉइस अच्छी हो वो पता चले, और डोडला के बारे में हमें आइडिया आए, राइट। कुछ बड़े निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते, पैसे लगाएंगे 10-12 साल में अच्छे बनेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। फुल कॉन्फिडेंस जो हमने एक जमाने में जुबिलेंट पे रखा था, नौकरी में रखा था, वैसा नहीं कर सकते, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डोडला डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपको लगता है इसी प्रकार के अगर आपको अपडेट चाहिए तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, ऐप पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे, राइट। जो हमारा जो मीटिंग्स है 18 जुलाई 3 घंटे की मिस न कीजिएगा, 25 जुलाई फुल डे इवेंट है, पूरे इंडिया की सारी इंडस्ट्री की बातें उस दिन होगी, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज का निवेश की भी बातें वहां पे होगी। तो दोस्तों लग जाइए आप लोग भी काम पे, मैं भी लग जाता हूं काम पे। हुर्र।